हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेलकम टू यू ऑल आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम इस वीडियो में सबसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं सारे कंसेप्ट के बारे में बात की जाएगी डेफिनेशन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंडल अप्रोपिएशन फास्ट एडजस्टमेंट गारंटी क्लोजिंग कैपिटल ये सब कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो अगर इन कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि आपका हो जाए क्विक रिविजन तो आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हो तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बैल इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स लेट स्टार्ट फ्रेंड्स तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम के साथ ही जैसा कि अपने को पता है कि हम आज रिवीजन करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम अपने चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं रिवीजन आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग तो ये हमने इलेवेंथ में पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाई समराइज इन टर्म ऑफ मनी वेयर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर एट लीस्ट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेड द रिजल्ट देयर ऑफ ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने क्लास लेवंथ में पढ़ ली थी अगर मैं अभी मोटा मोटी बात करूँ कि वट डू यू मीन बाई अकाउंटिंग तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है अकाउंटिंग बेसिकली रिकॉर्डिंग करना फिर लेजर बनाना या हम बहुत ज़्यादा क्लासिफाई करना उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना हम बहुत ज्यादा समराइज करना और उसके बाद हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी कि इंटरप्रिटेट द रिजल्ट हम अकाउंटिंग इनको बोलते हैं इन जनरल ये हमने इलेवंथ में पढ़ लिया था आज हमें बात करनी है सर वाट डू यू मीन बाई पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप क्या है ये आप ध्यान से देखिएगा इट इज एन एग्रीमेंट पार्टनरशिप सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट है इट इज एन एग्रीमेंट किनके बीच में तो हम बोलेंगे बिटवीन टू और मोर पर्सन मतलब कम से कम दो तो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते हैं. फिर बात करते हैं कि वो जो एग्रीमेंट हो रही है दो या दो से दो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किस परपस को लेकर तो हम बोलेंगे फॉर शेयरिंग प्रॉफिट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट कहां पे तो हमने कहा इन बिजनेस फिर लास्ट में एक लाइन है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एनी वन ऑफ देम

बिटवीन टू और मोर पर्सन मतलब कि मिनिमम कितने पार्टनर होंगे आपके पास मिनिमम टू पार्टनर लेकिन कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने होंगे तो हम बताएंगे उन्हें कि मैक्सिमम ट्वेंटी या फिफ्टी आपके पास होते हैं फिफ्टी अगर हम बोलें तो फिफ्टी ओनली फॉर बैंकिंग बिजनेस बाकी सभी के लिए अदर्स के लिए ट्वेंटी होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्लियर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं कि पार्टनरशिप क्या है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट फिर पूछा जा सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं टू होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं तो फिफ्टी फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड ट्वेंटी फॉर अदर्स इसके बाद आपके पास फिर एक एम आता है कि क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई दो आदमी एग्रीमेंट करके एक बिजनेस को रन कर रहे हैं क्या वो क्या वो बिज़नेस पार्टनरशिप कहलाएगा तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि वो एन है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जबकि हमने देखा कि पार्टनरशिप में प्रॉफ़िट अर्न करना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लियर है दूसरी बात फिर से देखो यहाँ पे एक और एम है इन बिजनेस मैंने अगर कहा कि दो दोस्त हैं एक ए एक दोस्त का नाम ए है और एक दोस्त का नाम बी है ए जो है वो क्रिकेटर है बी जो है वो फुटबॉलर है इन दोनों ने मिलकर एक बिल्डिंग परचेज की टू करोड़ में दोनों ने बिल्डिंग परचेज करने के बाद इसे प्रॉफिट पर बेच दिया वन करोड़ का प्रॉफिट मतलब कि थ्री करोड़ में इसे सेल कर दिया यहाँ पे जो एक करोड़ का प्रॉफिट हुआ ये दोनों पर्सन ने एग्रीमेंट किया आपस में दोनों ने मिल के बिल्डिंग खरीदी दोनों ने मिल के बिल्डिंग बेची तो क्या ये बिल्डिंग में आने वाला प्रॉफिट तो क्या हम इस ट्रांजेक्शन को पार्टनरशिप बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि ये इनका लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है एक क्रिकेटर है एक फुटबॉलर है इन्होंने एक बिल्डिंग परचेज की बेची उसमें प्रॉफिट हुआ लेकिन ये प्रॉफिट पार्टनरशिप प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो इवेंट हुई अभी अभी ये इवेंट पार्टनरशिप के अंदर फॉल नहीं करेगी इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर है कैरीड ऑन बाई ऑल या तो सब लोग मिल बिजनेस को रन करेंगे या ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक आदमी सभी के बदले एक्ट कर सकता है और बिजनेस को रन कर सकता है ये सब इसके फीचर्स हैं और यही इसकी डेफिनेशन है तो हमने यहाँ कवर कर लिया डेफिनेशन और कवर कर लिया इसके फीचर्स अब हम बात करते हैं कि सर कैसा एग्रीमेंट तो हमने कहा कि एग्रीमेंट को हम यहाँ एक नाम से जानेंगे उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड क्योंकि एग्रीमेंट में जो लिखा गया होगा वही तो चीज होगी और जो लिखी गई होगी उसे हम क्या बोलेंगे पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड क्या होती है तो प्रॉमिस अब आपको यहाँ यह बात याद रखनी है प्रॉमिस कैसी होती है तो हम बोलेंगे प्रॉमिस ओरल एंड रिटर्न दोनों होती है याद रखिएगा प्रॉमिस ओरल भी होती है और रिटर्न भी होती है ये बिल्कुल याद रखिएगा इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है सर तो आप बात कर लेते हैं कंटेंट्स की क्या कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के तो हम बोलेंगे सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस बिजनेस का जो भी नाम होगा वो डीड में लिखा गया होगा उसके बाद हम बोल सकते हैं नेम ऑफ पार्टनर्स फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूटेड क्लियर है फिर हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा पार्टनर्स की सैलरी क्या तय की गई होगी पार्टनर्स का कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब क्या है ये सब पॉइंट हैं कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के आप और भी पॉइंट लिख सकते हो अगर आप खुद को मानो कि आप पार्टनर हो और अगर आप किसी और पर्सन को एज ए पार्टनर अपने बिजनेस में इंक्लूड करते तो आप उनसे किन किन बातों पर सहमति करते जो भी आप बात सोचते वो सारी बात क्या कहलाएगी कंटेंट्स कहलाएगी डीड की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत होती है यहाँ पर और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है कि इफ़ डीड साइलेंट अगर आपकी डीड साइलेंट है इफ़ डीड साइलेंट अगर आपकी डीड साइलेंट है तो फिर क्या होगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर टू नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नंबर थ्री नो पार्टनर्स सैलरी नंबर फोर नो पार्टनर्स कमीशन नंबर फाइव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली आप प्रॉफ़िट शेयर इक्वल करोगे चाहे आपने कोई भी शेयर सोचा हो अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्स पॉइंट याद रखिएगा सिक्स पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्यों? तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्यों? क्योंकि सिक्स परसेंट पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखिएगा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो सिक्स परसेंट पर एन के हिसाब से इंटरेस्ट जाएगा बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और प्रॉफिट आप इक्वल शेयर करोगे अब यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और है जो इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है अब आप यहाँ ध्यान दो सिक्स परसेंट पर एन ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या सिक्स परसेंट पर एन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको रिसीव होगा और नॉट इफ़ डीड साइलेंट अगर आपकी डीड साइलेंट है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आपको इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एन के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या नहीं मिलेगा तो अगर आप सोच रहे हो नहीं मिलेगा तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका यहाँ पे आपका आंसर होगा कि यस आंसर आपका होगा यस yes, मिलेगा जबकि आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं पे भी पार्टनर्स लोन की बात नहीं की गई थी तो आप एक बात याद रखिएगा कि पार्टनर्स लोन जैसा कुछ होता भी नहीं है पार्टनर्स उसे कहते हैं जो कैपिटल लगाता है लेकिन अगर पार्टनर ने कोई पैसा एज ए लोन लगाया है तो उस पैसे के लिए वो पार्टनर केटर कहलाएगा के जो पैसा पार्टनर लगाता है कैपिटल के नाम का उस पैसे के लिए वो पार्टनर ऑनर कहलाएगा जबकि वही पार्टनर अगर कुछ पैसा बिजनेस को एज ए लोन फंडिंग करता है तो उस अमाउंट के लिए वो जो पार्टनर है एज ए क्रेडिटर काम करता है मतलब कि एज ए लोन काम करता है तो फिर चाहे कोई भी हो क्रेडिटर सबको सिक्स परसेंट पर एन के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी क्लियर है तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर एक क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब पी एंडल अप्रोपियसन के बारे में कि आखिर सर पी एंडल अप्रोपिएसन अकाउंट क्या होता है तो सबसे पहले अकाउंट जानने से पहले हम अकाउंट को तैयार कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर पीएंडल अप्रोपियसन अकाउंट होती क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनता है पीएनडल अप्रोपियशन अकाउंट यहां हम लिखेंगे पार्टिकुलर यहां पे अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट ये है पी एंड एल अकाउंट ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस को ट्रांसफर किया जाता है ठीक है तो हमने कहा कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन टू रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट जो बची हुई प्रॉफिट होगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को बाई पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये आपकी इनकम है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आप टैली करोगे और आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा जो ही आप पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे अब देखो यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पी एल अकाउंट का बैलेंस आता है फिर उसी पैसे को हम पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंस को काटने वाटने के बाद पार्टनर्स को दे देते हैं ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स अब आप ध्यान सुनिएगा कि पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहला पॉइंट तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्लियर है मतलब कि ये पी एंडल अकाउंट जैसा ही है ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड इनकम आर क्रेडिटेड आगे बात करते हैं पी एंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंडल अकाउंट के बाद बनता है प्रीपेड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाती है उसके बाद पी एंड एल अप्रोपियसन अकाउंट को बनाया जाता है तीसरी बात पी एंड एल अप्रोपियसन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ओनली इन प्रिपेयर ओनली इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग याद रखिएगा कि अप्रोपियसन अकाउंट और कहीं नहीं बनने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपियसन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर बनता है और कहीं पे भी नहीं बनेगा क्लियर है इसके बाद इस अकाउंट को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये आपको पता ही होगा क्योंकि इसके नाम में छुपा हुआ है पीएंडल अप्रोपियशन अकाउंट तो क्या हो गया अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसके अगर बात बात करें तो पीएंडल अप्रोप्रिएशन के पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही होता है क्लियर है दूसरी बात नॉट फॉलोड मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्टे क्यों नहीं फॉलो करता ये मैं आपको बताता हूँ बस दो मिनट के बाद ये इसके कुछ फीचर्स है ठीक है अब आप देखो नॉमिनल अकाउंट है यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड क्रेडिटेड कोई दिक्कत नहीं है पी एंडल अकाउंट के बाद बनता है यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है प्रीपेड पार्टनर्स में अकाउंटिंग क्यों क्योंकि प्रॉफिट निकल जाने के बाद प्रॉफिट को बांटना है कई लोगों के बीच में तो कैसे बांटोगे इसे आपको बताएगा पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर ही बनती है। इसका होता है कि को जाता अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि एप्रोपेशन अकाउंट क्यों बनता है तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है ना कि कैलकुलेट करने की तो अप्रोपी को बोलते हैं कि एक लाख प्रॉफिट है हमने पार्टनर्स को सैलरी दिया बचा नब्बे हज़ार नब्बे हज़ार हमने बाकी पार्टनर्स को बांट दिए तो ऐसा नहीं है कि नब्बे हज़ार कहीं और गया और दस हज़ार कहीं और चला गया पूरा एक लाख रुपए पार्टनर्स के पास ही गया मतलब हम ये बोलते हैं कि पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद भी प्रॉफिट कितने की है वन लाख की है क्योंकि पार्टनर्स के पास टोटल अमाउंट वन लाख रुपीज़ ही पहुंचता है ये है अप्रोपेशन ऑफ प्रॉफिट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्यों होता है क्योंकि पी एंड एल अप्रोपेशन अकाउंट कैलकुलेट कभी नहीं करता डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को और आप डिस्ट्रीब्यूट कभी भी कर सकते हो क्लियर है नॉट फॉलो मैचिंग कंसेप्ट क्यों क्योंकि अगर फॉलो करता तो ये अप्रोपिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता फॉलो नहीं करता इसी कारण से प्रॉफिट कम नहीं होती है एक्सपेंस को माइनस करने के बाद भी और इससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और पी एंडल अप्रोपिएशन अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है और ये इसके मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है इससे ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं होगा इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्लियर है अब हम एक एक करके सारी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग की क्लियर है अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है तो हम बोलेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है कि बिजनेस को इनकम हो रही है इनकम हो रही है इसका अंदर यह है कि ये क्रेडिट नेचर का है क्लियर है मतलब कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगी क्या आपको कैश मिला कैश तो नहीं मिला क्योंकि पार्टनर से जब तो तक बोला नहीं जाएगा तब तो तक हम कैश का नाम लेंगे नहीं तो हम किसका नाम लेंगे तो हमने कहा कि हम यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स का नाम जो भी पार्टनर होगा तो हमने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तभी तो वो इनकम के लाई वो तो अगर जो नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी दो एंट्री पास होगी अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी अब आप वो ध्यान से देखो हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट है इसकी दूसरी एंट्री पास करनी है तो हमें आईओडी को कैंसिल करना होगा कैंसिल करने के लिए हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया क्रेडिट को डेबिट कर दिया आईओडी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अब क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह कोई और आएगा वो कौन है वो है पी एंडल अप्रोपीएसन अकाउंट क्लियर है ये इसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने की दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने की पी एंडल अकाउंट के अंदर अब देखो जनरल एंट्री उतनी हार्ड है नहीं इसमें दिक्कत क्या होने वाली है दिक्कत होने वाली है अमाउंट कैलकुलेट करने में कि सर हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अब अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन मेथड है हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं तीन वे में सबसे पहला वे जो है उसका नाम है सिंपल मेथड और ये वे बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती दूसरा जो वे है वो है एवरेज मंथ मेथड और लास्ट है प्रोडक्ट मेथड आप देखो एक एक करके हम सारी बात कर लेते हैं कि सिंपल मेथड क्या होती है सिंपल मेथड जो हम क्लास थ्री फोर्थ में पढ़ते थे कि आपने कोई लोन लिया वो लोन आपने छः महीने बाद चुका दिया तो छः महीने का क्या इंटरेस्ट बनेगा उसी ही हम कहते हैं सिंपल मैथड इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपने ट्वेंटी टाइम्स ड्राइंग निकाली है बिजनेस से तो आपको ट्वेंटी टाइम्स कैल्कुलेशन करना होगा मतलब जितनी बार आप ड्राइंग निकालोगे आपको उतनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी यही इसकी दिक्कत है क्योंकि ये इंडिविजुअल काम करती है एक एक ड्राइंग को एक एक बार इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल के दिखाएगी आपको अब आपने कितने बार भी ड्राइंग निकाली हो उतनी बार आपको इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ जाएगा यही है सिंपल मैथड क्लियर है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो भी आपकी ड्रॉइंग है उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई जितना आपका मंथ बनता है मंथ अपॉन ट्वेल्व ये इसका फॉर्मूला बनता है सिंपल मेथड में लेकिन अगर हम बात करें एवरेज मंथ मेथड की तो यहाँ पे आपको पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि एवरेज मंथ मेथड हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते इसके कुछ क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो ही आप इस मेथड को लगा पाओगे सबसे पहला क्राइटेरिया है पैटर्न एवरेज मंथ मेथड के लिए आपको पैटर्न फॉलो करना मस्ट है अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो कोई तो ही आप इस मेथड को लगा पाओगे और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है नेवर ब्रेक वो जो पैटर्न है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए थोड़े टाइम के लिए भी नहीं एकदम एक पॉइंट एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी नहीं आपको वो पैटर्न पूरा फॉलो करना है और लगातार फॉलो करना है जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि आप ड्राइंग निकाल रहे हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो आपको 12 महीने हर महीने में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कैलकुलेट कर ड्रॉइंग निकालनी होगी लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैंने 11 महीने बिगिनिंग ऑफ ईच में ड्रॉइंग निकाली लेकिन एक मंथ मैंने ड्रॉइंग निकाली 10 तारीख को तो ये फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे एवरेज मंथ मेथड। तो याद रखिएगा पैटर्न फॉलो होना चाहिए और पैटर्न में ब्रेक नहीं होना चाहिए तो आप लगा पाओगे एवरेज मंथ मेथड सर फॉर्मूला क्या होता है इसका तो देखो फॉमूला क्या है इसका इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है हम पहले ड्राइंग का टोटल कर लेंगे टोटल ड्राइंग आपने ड्राइंग कितनी बार निकाली है उसका टोटल कर लो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट जो आपको रेट दिया रहेगा रेट रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई हम यहाँ लिखेंगे एवरेज मंथ डिवाइड बाई देखो ये क्या है ये निकला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है कि एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी एक फॉर्मूला है अब आपको देखना होगा कि एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा अब आप एवरेज मंथ कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि फर्स्ट ड्रॉइंग इसको ऐसे लिखते हैं रिमेनिंग मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग रिमेनिंग मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जब आपने पहली ड्राइंग की उसके बाद आपके पास रिमेनिंग मंथ कितने थे फिर हम बोलेंगे रिमेनिंग मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग जब आपने आखिरी ड्राइंग की उसके बाद आपके पास कितने मंथ रिमेनिंग है डिवाइड बाई टू तो आपको मिल जाएगा एवरेज मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग निकालता हूँ तो मैंने पहली ड्राइंग कब की होगी बिल्कुल पहले मंथ में मतलब रिमेनिंग मंथ कितना है मेरे पास पूरा पूरा ट्वेल्व प्लस मैंने आखिरी ड्राइंग कब की होगी आखिरी महीने में कब की है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब कि लास्ट मंथ के बिगनिंग में मतलब कि मेरे पास वन मंथ रिमेनिंग बचा हुआ है डिवाइड बाई टू मतलब कि सिक्स पॉइंट फाइव ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे एवरेज मंथ हर बार अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको सिर्फ एवरेज मंथ निकालना है अपने ड्राइंग को टोटल कर लेना और वही रेट के साथ इस एवरेज मंथ के साथ आपको अपनी इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट कर लेनी है यही है एवरेज मंथ मेथड अब हम बात करते हैं कि सर तो फिर क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? अब देखो जो प्रोडक्ट मेथड है वो है यूनिवर्सल क्योंकि ये मेथड एप्लीकेबल है हर केस में इसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया आप चाहे पैटर्न में ड्राइंग करो चाहे ब्रेक करो चाहे ना करो आप चाहो तो प्रोडक्ट मेथड हर जगह अप्लाई कर सकते हो अब इसे कैसे यूज करते हैं अब वो देखो प्रोडक्ट मेथड जो है वो फॉर्मेट बेस है तो आपको फॉर्मेट के ऊपर आना होगा फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले है डेट ऑफ ड्राइंग कि आपने ड्राइंग कब की उसकी डेट उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट उसके बाद है रिमेनिंग मंथ रिमेनिंग मंथ क्या होता है रिमेनिंग मंथ है कि आपने ड्राइंग जब की उसके बाद से ईयर एंड तक आपके पास रिमेनिंग मंथ कितने हैं वो आप कैलकुलेट करो और लास्ट में है प्रोडक्ट ठीक है तो आपकी जो भी डेट और ड्राइंग होगी वो आपको क्वेश्चन में दे दी गई होगी ड्राइंग का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया गया होगा रिमेनिंग मंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे अगर मैं बोल दूं कि मैंने ड्राइंग की है फर्स्ट सेप्टेम्बर को और मेरा ईयर एंड होता है अकाउंटिंग ईयर में तो मैं आपसे बोलूं कि रिमेनिंग मंथ कितने हैं तो हम बोलेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो रिमेनिंग मंथ है सेवन क्लियर है अब आपको कुछ नहीं करना है ऐसे ही आप सभी के रिमेनिंग मंथ कैलकुलेट करोगे और उसके बाद अपने रिमेनिंग मंथ को अपने रिमेनिंग मंथ को आप ड्राॅइंग के अमाउंट के साथ प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आपको यहाँ अमाउंट मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट हम फिर उन सभी प्रोडक्ट का सम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट अब इसके बाद कुछ नहीं करना है इसके बाद हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट हमने जो पूरा प्रोडक्ट किया है उनका सम करने के बाद हम उसे वही रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई ये आपको याद रखना है कि ओनली फॉर वन मंथ हम ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे ओनली फॉर वन मंथ आपको आपका आंसर लेके मिल जाएगा यही है प्रोडक्ट मेथड अब हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ उससे पहले आपने वो जानना होगा कि वाट डू यू मीन बाई कैपिटल तो हम बोलेंगे ऑनर्स फंड ऑनर्स फंड है तो मतलब लाइबिलिटी और लाइबिलिटी है तो हम बोलेंगे क्रेडिट अब याद रखेगा कैपिटल जो है दो तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहला तरीका है वो है फिक्स्ड मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से भी अपने कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम इस मेथड के हिसाब से भी अपने कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हैं तो अपने को दो अकाउंट ड्रॉ करना होगा जो पहला अकाउंट है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ये अकाउंट मुझे ड्रॉ करना होगा और दूसरा जो है वो है करंट अकाउंट मुझे करंट अकाउंट भी ड्रॉ करना होगा लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट ड्रॉ करोगे वही है कैपिटल अकाउंट मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सर इसमें अंतर क्या है बता दो अंतर देखो क्या है अगर आप फॉलो कर रहे हो फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो होता क्या है कि दो अकाउंट बनेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर सिर्फ चार ही एंट्री आती है मतलब ऐसा बोल दो इसके अंदर एंट्री आती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड मतलब कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एडिसन ऑफ कैपिटल और ड्राइंग या विड्रोवल ऑफ कैपिटल मतलब आप से बात करोगे कैपिटल से रिलेटेड तो क्या होगा फिक्सड कैपिटल अकाउंट इन चार एंट्री को छोड़कर जो एंट्री बच जाती है वो सारी एंट्री कहाँ जाएगी वो सारी एंट्री चल जाएगी करंट अकाउंट के अंदर मतलब कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सैलरी कमीशन और रिवेल्युएसन प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट गुडविल की एडजस्टमेंट सब कहा चल जाएगी करंट अकाउंट के अंदर क्लियर है लेकिन अगर मैंने दोनों अकाउंट एक साथ एक ही फॉर्मेट के अंदर बनाता तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट मतलब कि यहाँ पे जे वाली एंट्री भी आएगी और जे वाली एंट्री भी आएगी मतलब कि हम जो क्लास सलेवेंथ में सिंपल बनाते थे कैपिटल अकाउंट उसे ही हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बिल्कुल सिंपल है आपको एक रेट दे दिया गया होगा मान लो टेन परसेंट आपको सिर्फ अपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम टेन परसेंट लगाएंगे अपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और जो भी रिमेनिंग मंथ होंगे उनके हिसाब से आप निकाल लोगे अपनी आई अब आई का अमाउंट निकालना उतना बड़ा काम नहीं है लेकिन आई की एंट्री क्या होगी अब आई अपने लिए क्या है एक्सपेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि डेबिट है मतलब कि एंट्री क्या होगी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि हमारा पैसा तो गया नहीं या पैसा मिला नहीं उसके बाद हम बात करें इसको कैंसिल करना होगा तो हम उल्टा कर देंगे हम बोल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अब बाई में क्या होगा तो हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो पी अकाउंट डेबिट क्लियर है ये इसकी एंट्री है क्लियर हो गया और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमीशन की कमीशन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है क्योंकि बिफोर और आफ्टर का पूरा खेल होता है तो हम बात कर लेते हैं कमीशन की अब कमीशन भी हमारे लिए क्या है एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट अब इसकी एंट्री क्या होगी सेम एंट्री होगी हम खाली यहाँ रह देंगे कमीशन यहाँ रह देंगे कमीशन बाकी पूरी एंट्री सेम रहेगी कमीशन की अब हम बात करते हैं कमीशन की कैलकुलेशन की कैसे निकालेंगे कमीशन तो देखिए कमीशन में क्या क्या केस हो सकता है एक हो सकता है बिफोर चार्जिंग एक हो सकता है आफ्टर चार्जिंग और एक हो सकता है आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन ठीक है और एक होता है जंबल कि हमने सब कुछ दे दिया एक ही के अंदर अब देखो यहां पे दिक्कत क्या क्या होने वाली है अगर मैं आपसे बोलूँ बिफोर है तो आप बोलोगे रेट लगेगा टेन अपॉन हंड्रेड ये हमको रटवाया गया है ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूं कि आफ्टर तो आपका कहना होगा रेट लगेगा टेन बाई वन हंड्रेड टेन जो कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला अगर आपको जानना है डिटेल व्यू आप मेरी वीडियो को देख सकते हो मैंने लिंक दे दें डिस्क्रिप्शन दे में जहाँ पे आप चेक कर लोगे बिफोर और आफ्टर का पूरा खेल लेकिन फिलहाल रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि कैसे होगा अगर आफ्टर लिखा हुआ है और आफ्टर के बाद कुछ चार्जिंग है मान लो आफ्टर चार्जिंग लिखा ही हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी लेकिन आप निकाल रहे हो कमीशन याद रखिएगा आप निकाल रहे हैं कमीशन लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऐसे में जिस चीज को आप निकाल रहे हो अगर उस चीज को आफ्टर नहीं बोला गया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है हम सिर्फ टेन अपॉन हंड्रेड लिखेंगे आफ्टर मतलब होता है माइनस करने के बाद हम खाली क्या करेंगे सैलरी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर लगाएंगे सिंपली टेन फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी कमीशन है टेन आफ्टर चार्जिंग मेरी कमीशन टेन परसेंट और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी तो मैंने कहा कि मैं अपने नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर दूंगा जो बचेगा उसका सिंपली टेन परसेंट क्लियर है लेकिन आपको यहां ध्यान देना होगा कि अगर मैं निकाल रहा हूँ एक कमीशन और आफ्टर चार्जिंग भी दिया हुआ है मतलब कि एक कमीशन तो जो चीज आप निकालने बैठे हो उसी चीज को आफ्टर बोल दिया गया है ऐसे केस में जिनको आप कैलकुलेट करने एक बैठे हो और वही चीज़ आपको आफ्टर करनी है तो याद रखिएगा ऐसे केसों में आप करोगे टेन बाई वन अंडर टेन अब डिटेल वीडियो के लिए आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का पूरा खेल वहाँ जाके आप पता कर पाओगे कि इनमें क्या कंसेप्ट है उसकी पूरी क्या अंडरस्टैंडिंग है और जंबल में क्या होगा जंबल आपको देखना होगा किन किन के बिफोर किन के किन के आफ्टर बस सिंपली आप निकाल पाओगे कमीशन और जनरल इंडस्ट की सेम रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह क्लियर है पार्टनर सैलरी की बात करें इसके पीछे भी कोई कंसेप्ट नहीं है जनरल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी कमीशन की तरह या हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह अब देखो इसमें क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या होने वाली है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ हो गई है गलतियाँ दो तरीके से हो सकती है आपके पास या तो आप ओमिशन कर गए हो या तो आपसे कुछ चीज़ छूट गई है या हमसे हो गया है एरर क्लियर है अब उनको सुधारना है अकाउंट्स का रूल कहता है कि हम उसे काट नहीं सकते तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे हमारे पीछे की गलती सुधर जाएगी क्लियर है अब ये होता क्या है ऐसा बता दो अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है यहाँ पता नहीं लोग क्यों इतना कन्फ्यूज होते हैं लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सिंपल अगर आपको अकाउंट्स नहीं भी आता तो वो भी ये काम हम अपने रियल लाइफ में रोज करते हैं डेली करते हैं देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने सौ रुपये कमाया ठीक है ये केस वन है और फिर ये केस वन का ही दूसरा पार्ट है एक सही है गलत अब वो कैसे होगा सौ रुपये कमाया मैंने सौ रुपये में से ए को और बी को पैसे देने थे देने कुछ इस तरह से थे कि बी को पहले मैं पंद्रह रुपये सैलरी दूंगा और पाँच रुपये कमीशन दूंगा और उसके बाद मैं अपनी बाकी पैसों को ट्वेंट ये हो गया ट्वेंटी तो हम बचा एट्टी तो मैं बोलूँगा फोर्टी फोर्टी तो बाकी पैसा मैं दोनों को एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता इक्वली क्लियर है जे होना चाहिए था लेकिन गलती होगी मेरे से मैं देना भूल गया बी को सैलरी और बी को कमीशन अब हुआ क्या कि पूरा फिफ्टी फिफ्टी रुपीज बढ़ गया क्लियर है अब हमको पता है कि यहाँ पे एक ये चीज हो चुकी है ये चीज़ हो चुकी है, है जबकि ऐसी होने चाहिए थी हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ अब देखो अगर आपका दिमाग साफ है तो आप इजिली सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट अमाउंट निकाल लोगे कितने अमाउंट की गलती है सिर्फ उतना ही अमाउंट मांगोगे एक से और एक को दे दोगे लेकिन हमें नहीं आता हमारा दिमाग इतना सार्फ नहीं है तो हम क्या करें सर हम छोड़ दें बिल्कुल भी नहीं आप देखो इसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो कुछ भी नहीं करना है आपको आप खाली क्या करोगे जितने अमाउंट की गलती हुई है टोटल अमाउंट की गलती हम पूरा पैसा मांग लेंगे वापस अमाउंट की गलती हुई है सौ रुपये की गलती हुई है मैं सौ रुपये पूरा मांग लूँगा पचास मैंने किसको दिया है एक को दिया है मतलब कि कैपिटल अकाउंट में दिया है कैपिटल अकाउंट क्या होता है क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी पैसा मांग रहे हैं वापस लाइबिलिटी कर रहे हैं कम तो मैंने कहा कि पचास रुपये डेबिट कर दो मेरे को यह पचास रुपये पूरा का पूरा वापस कर दो अब मेरे हाथ में सौ रुपये पूरा आ गया है सौ रुपये पूरा आ गया सौ रुपये पूरा आ गया है तो जैसे देना था वैसे क्रेडिट कर दो दे दिया मैंने लो तो देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एडजस्टमेंट अमाउंट कितना है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम पूरी अमाउंट वापस मांगेंगे और पूरे अमाउंट को फिर एज ए बिल्कुल सही तरीके से वापस भी कर देंगे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं यही आपके आप अगर आप पूरे क्रेडिट को जोड़ो और डेबिट को जोड़ो और एक साथ रख के माइनस करो तो आपको मिल जाएगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री दो कैसे ए का जो है फोर्टी डेबिट है फोर्टी क्रेडिट है और बी की जो है वो आ रही है सिक्सटी क्रेडिट क्लियर है जबकि 50 अमाउंट डेबिट है ए का और 50 अमाउंट डेबिट है बी का आप देखो आपकी एंट्री बन चुकी है आपकी एंट्री क्या बन रही है टेन रुपीज डेबिट और टेन रुपीज़ क्रेडिट एंट्री क्या बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपसे एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट आपसे नहीं बन पा रही है तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है आप सिंपली ड्रॉ कर लो पी एंडल अप्रोपियसन अकाउंट इससे होगा क्या कि जैसे आप ड्रॉ करोगे पी एंडल अप्रोपियसन अकाउंट तो आपको आपकी सारी सही वाली एंट्री मिल जाएगी कि ये सारी एंट्री सही होती और ऐसे होती जो एंट्री सही है और पार्टनर्स को देना है या पार्टनर से लेना है याद देखिएगा देना लेना मजा आइएगा आपको देखना होगा कि अगर कैपिटल में पैसा और डालना है मतलब लाइबिलिटी को बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दीजिएगा कैपिटल से पैसा निकालना है तो उसे डेबिट कर दीजिएगा तो अगर आपने बनाया पी एंडल अप्रोपियसन अकाउंट तो आपको आपकी सारी सही एंट्री मिल जाएगी और गलत एंट्री आपके क्वेश्चन में आपको दे दी गई होगी तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है लोग खाली कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट अमाउंट खोज लें एक बार में जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप प्लीज़ पी एंडल एप्रो अकाउंट को ड्रॉ करें और बिल्कुल कोशिश ना करें एडजस्टमेंट अमाउंट को खोजने की आप पूरे अमाउंट पे काम करें पूरा अमाउंट वापस मांगें और पूरा ही अमाउंट वापस डिस्ट्रीब्यूट करें आपका आंसर तो भी आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर है यही है पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर है अगर आप कहोगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा नहीं तो इसे हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि यह है वीडियो आगे बात करते हैं गारंटी की सर गारंटी क्या होती है अब देखो गारंटी के नाम से हमको बताया गारंटी मतलब क्या कि हम किसी को मिनिमम अमाउंट के लिए गारंटी दे रहे हैं तो याद देखिएगा गारंटी जो होती है वो हमेशा मिनिमम अमाउंट के लिए होती है कम से कम इतना तो मिलेगा लेकिन अगर ज़्यादा मिल रहा है तो तो हम गारंटी नहीं लगाएंगे याद रखिएगा गारंटी तभी लगती है जब आपको उस लेवल से कम मिलता है तो हम लगाते हैं गारंटी अब देखो गारंटी में ही बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं तो कन्फ्यूज होने की बात है नहीं आप यहाँ सिंपली ध्यान दो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे बनानी है पी एंडल एप्रो अकाउंट तो मैं कैसे बनाता देखो तो मैं लिखता बाई नेट प्रॉफिट मान लो वन लाख रुपीज है क्लियर है टू पार्टनर्स सैलरी मान लो ए की ए सैलरी है मैंने कहा वो है ट्वेंटी थाउजेंड क्लियर है टू बीस कमीशन बी का कमीशन है टेन थाउजेंड ठीक अब बाकी जो पैसा है वो मुझे पार्टनर्स को देना है बाकी कितने बच गए बाकी बच गए सेवेंटी थाउजेंड यदि डिवाइड तो हो नहीं पाएगा तो इसको भी आप कर लो ट्वेंटी ठीक है तो अब बच गए सिक्सटी थाउजेंड तो मान लो कि मुझे बाकी पैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं कि पार्टनर मेरे पास हैं तीन और तीनों का रेशियो दिया हुआ है टू इज टू वन इज टू वन ये हमारा रेशियो है टू इज टू वन इज टू वन क्लियर है अब आप टैली करो अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा गारंटी कुछ होती है तो आप क्या करते हैं हम सिंपली एक लाख लिखते हैं यहाँ पे वन लाख रुपीज यहाँ पे लिखते हैं वन लाख और इसे टैली करते हैं और हम बोलते हैं कि सिक्सटी थाउजेंड रुपीज अमाउंट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू इज टू वन इज टू वन में तो हम बोलते हैं सिक्सटी बाई फोर फिफ्टी फिफ्टीन तो हम बोलते हैं थर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड ये हमारा आंसर होता लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी को गारंटी मिली है सी को गारंटी मिली हुई है कि सी को मिनिमम ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफ़िट मिलेगा तो हम पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो हम गारंटी चेक करेंगे क्या गारंटी लग रही है तो हम बोलेंगे सिक्सटी थाउजेंड को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इस टू वन इस टू वन में तो कितना आता फिफ्टीन या आती थर्टी थाउजेंड जे आती फिफ्टीन थाउजेंड और जे आती फिफ्टीन थाउजेंड जबकि सी को गारंटी मिली है ट्वेंटी थाउजेंड की तो हमने कहा कम से कम तो मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड अब ट्वेंटी से कम है फिफ्टीन तो हमने कहा नहीं 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 गारंटी लगेगी हमने कहा कि हमने लगाई गारंटी हमने इसको दिया ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन जैसे ही मैंने इसको ट्वेंटी थाउजेंड दिया तो अब दिक्कत है क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट सिक्सटी थाउजेंट ही है अब इनको थर्टी और इनको फिफ्टीन कैसे मिलेगा तो नहीं मिलेगा मिल सकता भी नहीं है तो अब हम क्या करें सर तो आपको कुछ नहीं करना जब भी आपकी गारंटी लगती है हम पहले गारंटी अमाउंट उस पार्टनर को दे देंगे उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट है जैसे हमारे केस में अमाउंट कितना बचेगा अब सिक्सटी टोटल टोटल अमाउंट थी मेरे पास सिक्सटी में से मैंने ट्वेंटी दे दी सी को अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है फोर्टी तो जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट हम बाकी पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब उनका रेशियो क्या है अब ए और बी की बात हो रही है मतलब कि टू इंच टू वन की बात हो रही है मतलब कि बाकी फोर्टी थाउजेंड रुपीज हम टू इंच टू वन में शेयर करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर को रिमेनिंग रेशियो में ही दिया जाएगा क्लियर है यही है गारंटी अब हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल की इसके पीछे भी लोग बहुत परेशान होते हैं जबकि इसके से कोई कंसेप्ट नहीं है अगर मैं आपसे बोलूँ कि कैसे निकलता है क्लोजिंग कैपिटल तो आप क्या बोलोगे ओपनिंग कैपिटल मैंने पैसा इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल उससे मेरी लाइविटी उससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो ऐड कर दो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मैंने कहा मैंने ड्राइंग की है पैसा कम हो गया निकाल लिया माइनस कर दो ड्राइंग प्रॉफिट हुआ कैपिटल बढ़ेगी प्लस कर दो लॉस हुआ कैपिटल घटेगी माइनस कर दो इससे आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल यही है फॉमूला अद्धि कोई फॉमूला नहीं है सिंपल चीज़ है कि आपके पास शुरू में गया सौ रुपये थे आपने दो रुपये और लगाया एक सौ दो रुपये हो गए एक रुपये निकाल लिया एक सौ एक रुपये हो गए प्रॉफिट दो रुपये हुए एक सौ तीन रुपये हो गए लॉस हुआ एक रुपये का एक सौ दो रुपये हो गया तो आपके हाथ में कितना बचा हुआ है एक सौ जबकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया सौ रुपये से सौ रुपये क्या है ओपनिंग कैपिटल एक दो तो क्या है क्लोजिंग कैपिटल यहां तक कैसे पहुंचे तो एडजस्टमेंट करके ये सब क्या है एडजस्टमेंट है जो चीज़ आपको जोड़नी है जोड़ोगे माइनस करनी है माइनस करोगे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल अब सर कंसेप्ट किया है कंसेप्ट का इतना सही है कि हम जब निकालते हैं इंटरेस्ट या रेट निकालते हैं रेट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही निकाला जाता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है तो कई बार आपको क्लोजिंग बैलेंस दे, दे दिया जाएगा उसकी फिर आपको करना क्या होगा आपको एडजस्टमेंट के थ्रू निकालना होगा ओपनिंग बैलेंस जिस पे आप लगाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यही इसका कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया आपकी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी की सी के सिलेबस के हिसाब से क्लियर है तो जी आपकी पहली वीडियो है जहाँ हमने, हमने रिवाइज़ किया पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बेसिक चैप्टर क्लियर है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा आती रहती है तो आज कितना ही फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैवे नाइस डे